Hello, bachchon. Let us see this question. If an electron having a wavelength 100 angstrom, the momentum is option 6.6 into 10 to the power minus 32, option B 6.6 into 10 to the power minus 29, option C 6.6 into 10 to the power minus 25, option D 6.6 into 10 to the power minus 21. So momentum ho jayegi P equals to H by lambda. H ki value is 6.6 into 10 to the power minus 34. Lambda ki value hai 100 angstrom, to ise likh sakte hain 10 to the power minus 10 meters. So ye aa jayegi 6.6 into 10 to the power minus 24 momentum. अब हमें चाहिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में और हमने निकाला है केजी मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केजी से ग्राम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 से गुणा करना। ठीक है बच्चों, 6.6 into 10 to the power minus 24, सॉरी ये इधर 100 भी है ना, 100 इंटू 10 पावर माइनस 10 तो डिवाइडेड बाय 100 भी है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इससे ये दोनों कैंसिल हो गए 10 की पावर 2, तो फाइनल जो हमारा मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21, ये 24 में से 3 निकल गया तो 21 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। So final answer is option D, best option.